बिना साबुदाना भिगोए सिर्फ 10 मिनट में व्रत स्पेशल। आज हम बनाएंगे एकदम यूनिक और टेस्टी रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे और खाएंगे तो पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और पैन को हाई फ्लेम पे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन हमारी गर्म हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 टीस्पून घी डालेंगे। यहाँ मैं व्रत स्पेशल इस रेसिपी को बना रही हूँ तो घी का यूज़ की हूँ। आप अगर बिना व्रत के बना रहे हैं तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर व्रत में आप जो ऑयल खाते हैं उसका यूज़ करें। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें मूंगफली या पीनट डालेंगे। आप इसमें काजू किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम मूंगफली डालने के बाद घी में इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, जिससे मूँगफली हमारे अच्छे से भुन जाएंगे और ये क्रंची भी हो जाएंगे। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का कटा हुआ कच्चा आलू डालेंगे। आप अगर इसे इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बॉयल आलू या बॉयल पटाटे को भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम आलू को भी अच्छे से घी में भून लेंगे और इस टाइम पे गैस फ्लेम मीडियम रखेंगे, जिससे आलू हमारे जलेंगे नहीं। और अब हम इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आप चाहे तो सूखी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 से 2 टुकड़ा अदरक का डालेंगे, अगर आप खाते हैं तो इसमें ज़रूर डालें। और इसमें 10 से 12 करी पत्ता डालेंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट को फिर से हम एक बार अच्छे से चलाते हुए पैन में भून लेंगे, जिससे इन सभी का फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाएगी और फिर आपकी जो रेसिपी है एकदम टेस्टी और हेल्दी बनेगी। और इस टाइम पे हम इसमें 1 छोटे साइज का कटा हुआ गाजर डालेंगे। गाजर डालकर फिर से हम इसे पैन में अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लेंगे। और इसमें आप अपनी पसंदीदा और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पनीर, बीन्स, जो आप व्रत में खाते हैं उन सब्जियों का यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। और इन सभी को हम फिर से अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे ही भून लेंगे। और यहाँ मैं इसे और टेस्टी और चटपटी बनाने के लिए इसमें 1 मीडियम साइज का या छोटा टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर हम फिर से इसे अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे और टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो इसके लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून या स्वाद अनुसार व्रत वाले नमक डालेंगे। नमक डालकर इन सभी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। और जब तक हमारी सब्जियां पक रही है हम साबुदाना लेंगे, और यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी साबुदाना ली हूँ और अब हम इसे दूसरी कटोरी में डालेंगे। और इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करते हुए हम धो लेंगे या वॉश कर लेंगे, जिससे साबुदाने के ऊपर लगा हुआ सारा स्टार्च और धूल जाएगी। और अब आप देख सकते हैं साबुदाना हमारे बहुत ही अच्छे से, यहाँ मैंने इसे धो दिया है तो हम इसे साइड में रखेंगे। और अब हम सब्जियों को चेक कर लेंगे, इसे पकाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए चेक कर लेंगे कि हमारी सब्जियाँ पकी है कि नहीं। सबसे पहले हम आलू को चेक करेंगे और अब आप देख सकते हैं आलू हमारे बहुत ही अच्छे से कट जा रही है, इसका मतलब है कि आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं तो बाकी सब्जियाँ भी सॉफ्ट हो गई होगी। और अब हम इसमें साबुदाना डालेंगे। साबुदाना डाल करके हम इसे हाई फ्लेम पे 10 से 15 सेकेंड के लिए इस तरीके से सब्जियों के साथ चलाते हुए भून लेंगे। साबुदाना हमारे भुन गए हैं तो हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। पानी डालकर गैस का फ्लेम एक बार फिर से हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम सारी सब्जियों को साबुदाना के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे साबुदाना हमारे पैन में या तले में चिपकेगी नहीं और ये बहुत ही बढ़िया खिली खिली रहेगी। और इसे हाई फ्लेम पे पकाते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गए और अब देख सकते हैं पानी में बहुत ही अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसे ढक करके लगभग 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और इसे ढके हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला से इसे अच्छे से चला लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे जो साबुदाना है वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इसका दाना एकदम मोती के जैसा चमक रहा है। तो हम इसे स्पैचुला से अच्छे से सारे सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारे जो साबुदाना है सब्जियों के साथ और अच्छे से पकेगी। और आप इसे और भी ज़्यादा
टेस्टी बनाने के लिए इसमें जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे अपने हिसाब से ज़्यादा गाढ़ा या पतला भी रख सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं हमारे साबुरदाने की घीली वाली खिचड़ी एकदम कलरफुल लग रही है। यकीन मानिए, ये जितनी कलरफुल दिख रही है खाने में, ये कई ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। तो अगर आप इसे व्रत में ईजिली कुछ बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से बिना भिगोए साबुरदाने की इस खिचड़ी को बनाएं। मेरी गारंटी है कि आप डेली इसे बनाकर ज़रूर खाएंगे। ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी होती है। और अब हम इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें आधी नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालकर हम इसे खिचड़ी में फिर से स्पैचुला से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब आप इसे ठंडा होने दें, या फिर आप इसे गर्मा गर्म ही प्लेट या कटोरी में इस तरीके से सर्व कर ले। और फिर आप इसे व्रत में अगर खा रहे हैं तो इसे हल्का ठंडा होने दे, उसके बाद ही आप इस खिचड़ी को खाएं। इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगी। और अब हम इसे चलिए कटोरी में सर्व कर लेते हैं। और यहाँ मैं इसे दो तरह के कटोरी में सर्व कर रही हूँ। आप इस तरीके से अगर फैले वाले कटोरी या प्लेट में सर्व करेंगे तो ये इंस्टेंट और जल्दी ठंडा होगी, और फिर आप इसे इंस्टेंट खा भी सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से शेयर करें। और आप इस खिचड़ी को ज़रूर घर पर ट्राई करें और अपना फीडबैक एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने इसे बना के खाया था, ये सच में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लग रही थी। तो व्रत में जब भी आपको छोटी मोटी इस टाइप की भूख लगे तो आप बिना भिगोए साबुदाना के इस खिचड़ी को ज़रूर बनाएं। मेरी गारंटी है कि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और अब आप देख सकते हैं साबुदाना का एक एक दाना बिल्कुल मोती के जैसा परफेक्ट खिला खिला और अलग अलग है। तो इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट रेसिपी।